नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका इस तरह से चले जाना हर किसी को हैरान कर गया। 67 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते सतीश कौशिक का निधन हुआ। सतीश कौशिक के जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बड़ी बड़ी हस्तियां एक्टर के निधन पर दुख व्यक्त कर रही हैं। अनुपम खेर से लेकर कंगना रनौत समेत कई बड़ी हस्तियों ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताया है। वहीं बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति से जुड़ी हस्तियां भी सतीश कौशिक के निधन पर अपना दुख प्रकट कर रही हैं। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा है, प्रख्यात अभिनेता और फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक जी का निधन अत्यंत दुखद तथा फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों व उनके प्रशंसकों को यह असीम दुख सहने की शक्ति दे। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सतीश कौशिक के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, अपने निश्चल अभिनय से करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर हंसी बिखेरने वाले प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आप स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। बता दें कि सतीश कौशिक बॉलीवुड का जाना माना नाम थे। वो न सिर्फ एक्टर के तौर पर जाने जाते थे बल्कि वो मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की और कई फिल्मों के वो प्रोड्यूसर भी रहे। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में सलमान खान की फिल्म तेरे नाम थी, इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। 67 साल की उम्र तक सतीश कौशिक लगातार काम कर रहे थे। वो कॉमेडी के किंग रहे हैं। एक्टर जिस फिल्म में नजर आते थे उसमें अपनी छाप वो जरूर छोड़ के जाते थे। अब उनका इस तरीके से चले जाना बॉलीवुड पर दुखों का पहाड़ टूट गया है और इसके अलावा राजनीतिक हस्तियां भी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रही हैं। सुनिए सतीश कौशिक के निधन पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं। मजाकिया किस्म के हर बात को मुस्कुरा कर हंस के इस एटीट्यूड से लेना आई थिंक उनकी आदत थी। जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। एक गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मेरा मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी तेरे नाम, और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये हैं, और रवि किशन नया लड़का है उसको, मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आँखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूँकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने अनुपम खेर साहब ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। 10 दिन पहले हम लोग बहुत देर बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश समिट में, और हम लोगों की एक शो सीरीज़ हिट हुई थी, उसकी कुछ कॉमेडी की बातें कर रहे थे। और फिर वो मेरे साथ, उनका बहुत मन था, एक स्क्रिप्ट थी उनके पास पूर्वांचल गैंगस्टर्स पे, पूर्वांचल के 1980 के दशक की। वो बोल रहे थे सिर्फ रवि तुम करोगे, रवि ये तुम करोगे, रवि ये किरदार तुम ही कर सकते हो, और रवि लेट्स डू इट। इन बहुत पॉजिटिव थे, बहुत खुश मिजाज, हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखना। आज ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सतीश जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, खास करके हमारी टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे, हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ, मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फिल्म की हमने साथ में द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ, और ये बहुत ही बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए। जिंदा तो सभी लोग रहते हैं लेकिन जीना बहुत कम लोगों को आता है, और सतीश कौशिक ने एक भरपूर जिंदगी जी। हंसना मुस्कुराना, लोगों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरना, और एक ऐसी खुदादाद सलाहियत थी उनमें, उनके चेहरे को देखकर ही इंसान जो है हंसने लगता था, मुस्कुराने लगता था। यूं अचानक से सतीश कौशिक का चला जाना उनके परिवार के लिए भी एक बड़ा सदमा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है।
तकरीबन 4:15 बजे मेरे पास मेरे भांजे का फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो विश्वास ही नहीं हुआ कुछ। काफी देर तक तो यही सोचते रहे क्या हो गया क्या हो गया, फिर आपस से बस एक दूसरे को फोन करते रहे कि क्या हुआ कैसे करना है कहाँ जाना है। धीरे धीरे पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो दिल्ली में ही है, ऐसे हार्ट अटैक आया उन्हें, बस इतना ही पता। अभी तो अब उनको देखने आ गए क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और उनको दिल्ली से प्यार था, चाहे वो भले ही वो मुंबई में रह रहे थे इतने टाइम से चले गए थे पर दिल्ली में उनके प्राण बसते थे। और देखिए आप दिल्ली में उनके प्राण निकले हैं शुरू से, आपको मालूम होगा करोल बाग को उन्होंने कितना फेमस किया, हर अपने इंटरव्यू में उन्होंने करोल बाग का नाम लिया, करोल बाग में रहते थे, तो मतलब दिल्ली से उनको बहुत प्रेम था। देखो मेरे को इतना हैरानी हुई कि दिल्ली में उनके प्राण गए हैं। काश मैं ऐसा कुछ कर सकती कि सांस डाल दूं अपनी, मैं क्या करूं बेटे, मेरी कोई दुआ सुन ले अगर मैंने सच्चे मन से कभी भगवान का नाम तो सांस चल जाए। देख लेना कई बार ऐसी सांस चल जाती है ना अचानक, ऐसे हो जाए बेटे तो ये दुआ करना तो, और मेरे को जरूर दिखा देना बेटे उनका चेहरा देख लो, देखो इधर से कहाँ से आएंगे वो, क्या करूँ मैं बाबा जी मैं क्या करूँ। रात को 1 बजे पता लगा, 1:15 बजे 40 में जब इनको लाया गया तुरंत पता लग गया था, लेकिन मेरे जाने से पहले मेरा बेटा 40 में गया, इनको PCR देते रहे कई देर तक, एटलीस्ट भगवान को मंजूर नहीं था ये। हम फिर जब तक 40 में जाने के लिए बोए तब तक यहाँ ला चुके थे, तो बेटा साथ था, बेटा मुंबई जा चुका है इनकी बहनों को लेके, तीन बहनें उनको अभी बताया नहीं। होली का दिन था सर, अचानक से अचानक से आने की कह रहे थे कि मैं आके खाना खाऊंगा एक दो दिन में आऊंगा। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक का यूं जाना हर किसी को स्तब्ध कर गया है। सोफी जी, सतीश कौशिक आज आज हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहना चाहिए? बहुत अफसोस हुआ ये खबर सुन के, इतने मैं कभी उनके साथ काम नहीं कर पाए, पर हमेशा इतने वार्म, इतने काइंड और इतने हंसमुख इंसान, हमेशा सबको हंसाते रहते थे और बहुत प्यार से मिलते थे सबको, एंड व्हाट एन अमेजिंगली टैलेंटेड आर्टिस्ट, और बचपन से हमारे लिए तो कैलेंडर हैं वो। बहुत अफसोस हुआ, गॉन टू यंग, जस्ट ऑल माय लव एंड प्रेयर्स टू द फैमिली।